Hello students, welcome to our channel Yasir Ali Classes. How are you all? I hope you all are fine and in your good health. So children, our today's lesson is based on prepositions. As you can see, I have written the topic on the board. So we are going to see few basic prepositions, and the very important one, those are at, in, and on. These are the most confusing prepositions. Sometimes we just don't get where to use what, whether to use at, whether to use in, whether to use on. So these are the most confusing and we often make mistake while using it. Okay, so without wasting time, let's come on prepositions. What are prepositions? Can anyone tell me? Yes, preposition is a word which is used to show the location, to show the time, or to show a place of a person or a thing. तो ये तो इसका बेसिक सा डेफिनेशन हो गया कि प्रपोजिशन का हम यूज़ करते हैं किसी लोकेशन को शो करने के लिए. लेकिन किसका लोकेशन? ऑब्वियसली किसी पर्सन का या किसी भी चीज़ का, किसी भी थिंग का, नॉन लिविंग थिंग. तो किसी भी लोकेशन को अगर हमें शो करना है तो विल यूज़ प्रपोजिशंस. अगर हमें किसी टाइम को, पर्टिकुलर टाइम को मैंशन करना है तो वी आर गोइंग टू यूज़ prepositions. एंड अगर हमें कोई प्लेस बताना है, कोई जगह बताना है, मेंशन करना है पार्टिकुलर, देन अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ prepositions. तो हमारे आज के जो prepositions हैं वो हैं at, in एंड on. Now children, as you can see here, I have drawn a chart. Now what is the purpose behind drawing this chart on the board? क्योंकि मुझे आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना है कि क्या होता है. देयर आर प्रपोजिशंस विच वी कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. ओके, हो सकता है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके साथ हम एक से ज़्यादा प्रपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते. वो हमें सेंटेंस के थ्रू पता चलेगा, सिचुएशन के थ्रू पता चलेगा कि हमें कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पर यूज़ करना है. So let's see. You can see my first word written over here is a table. Now can you tell me ki table ke sath hum kaun sa preposition use karenge? Can we say in a table? Agar main kehti hu in a table to uska matlab kya hua? Table ke andar. Ab table ke andar kya ho raha hai? Table ke andar it is very impossible to do anything in a table until unless you are doing any drilling process. अगर आप उसमें कोई hole and all drill कर रहे हैं तो वो एक अलग सा case हो गया, एक अलग situation है, and that is a very rare one. तो हम in table कभी नहीं बोलते, in a table हम use ही नहीं कर सकते. We can use on a table. So what is on? पहले मुझे आपको ये clear करने दें कि what is at, what is in, what is on. At का मतलब क्या होता है, in का मतलब क्या होता है, एंड on का मतलब क्या होता है. तो पहले हम at से शुरू करते हैं. लाइक सपोज इफ आई एम सेइंग, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, एट द डोर, लाइक समवन इज वेटिंग एट द डोर. तो इसका मतलब हो गया कि कोई दरवाजे के पास आपका वेट कर रहा है. एट द डोर हियर इट मीन्स नेक्स्ट टू द डोर, डोर के पास, दरवाजे के पास. सो हियर वी कैन से एट द डोर. सो इन द सेम वे वी कैन से एट अ टेबल. हम एट का यूज़ यहाँ कर सकते हैं. यहाँ टेबल का, यहाँ मतलब हो गया टेबल के पास. इन द सेम वे एट द डोर, एट अ टेबल, नेक्स्ट टू अ टेबल. ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन इज यूज व्हेन समथिंग इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ समथिंग. अब जैसे अगर मैं बोलूं बुक्स आर केप्ट ऑन अ टेबल, ऑन द टेबल, तो यानी बुक्स टेबल के ऊपर रखे हुए हैं. या कोई भी और चीज़ आप ले लें, कोई भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो हम ऑन द टॉप ऑफ द सर्फेस, देन हम ऑन का यूज़ करते हैं. सो वी कैन से ऑन अ टेबल एंड एट अ टेबल. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. अगेन माई एग्जाम्पल इज द डोर. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया कि हम कह सकते हैं सम वन इज़ वेटिंग एट द डोर. तो यहाँ भी हम एट का यूज़ करेंगे और ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑन द टेबल. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी अभी आपसे कहा
कि ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर होता है, ऑन द टॉप ऑफ द सर्फेस। लेकिन हम टेबल डोर के ऊपर तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली हम नहीं होंगे, मेरा ये मतलब भी नहीं है। लेकिन सपोज़ इफ़ यू वॉन्ट टू पेस्ट समथिंग ऑन द डोर, लाइक आप स्कूल में हैं, आप एक स्टूडेंट हैं एंड आपके प्रिंसिपल ने आपको एक नोटिस दिया एंड ही आस्क्स यू टू पेस्ट इट ऑन द नोटिस बोर्ड, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ हो रहा है, ऑन द टेबल, ऑन द डोर ऑफ द क्लासरूम। तो इस तरह से हमें अगर कुछ भी स्टिक करना है, कुछ भी पेस्ट करना है, कोई स्टिकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम वहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो गया जहाँ हम ऑन द डोर का यूज़ करेंगे। सो वी कैन नॉट से दैट वी कैन नॉट यूज़ ऑन द डोर इन एनी सिचुएशन, ये गलत होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन द डोर का यूज़ नहीं होगा, हमें अगर कुछ भी पेस्ट करना है या कुछ भी करना है तो हम इन का यूज़ नहीं करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स कम टू माय थर्ड पॉइंट, दैट इज़ द फ्रिज। अब हम एट द फ्रिज नहीं कहते, वी कैन यूज़ इन द फ्रिज एंड वी कैन से ऑन द फ्रिज। व्हाई वी कैन से इन द फ्रिज, इनका मतलब क्या होता है? इन मीन्स दैट समथिंग इज़ इनसाइड अ बिगर थिंग, कोई भी चीज़ किसी दूसरी बड़ी चीज़ के अंदर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपको बोलूँ, आई केप्ट द कॉइन्स इन द बॉक्स, तो कॉइन एक छोटी सी चीज़ हो गई और बॉक्स उससे बड़ी है, तो कॉइन्स मैंने बॉक्स के अंदर डाला। तो यानी कि बेसिकली इन इज़ यूज व्हेन वी कीप समथिंग इनसाइड एनी अदर बिगर थिंग, तो कोई भी चीज़ जब किसी और दूसरी चीज़ के अंदर होती है तो तब हम वहाँ इन का यूज़ करते हैं। सेम वे फ्रिज का क्या फंक्शन है हमारे घर में? हम चीज़ें रखने के लिए, खाने पीने की चीज़ें रखने के लिए, वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्रिज यूज़ करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए, तो हम वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे क्योंकि हम फ्रिज के अंदर चीज़ें रखते हैं। नाउ ऑन द फ्रिज, अगेन द सेम एग्जाम्पल, यहाँ भी हम फ्रिज के ऊपर चढ़कर नहीं बैठेंगे ऑब्वियसली, लेकिन ऑन द फ्रिज का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि लाइक आपको फ्रिज के डोर पे अगर कोई स्टिकर एंड ऑल पेस्ट करना है, उसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट करना है, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। ओके, एंड सम टाइम आपने देखा होगा घर पे भी, अक्सर अगर आपका फ्रिज उसका साइज़ छोटा है तो वी ऑफन कीप फ्यू थिंग्स ऑन द फ्रिज डेकोरेट करने के लिए, कोई वास रख दिया, कुछ रख दिया, तो वहाँ भी हम ऑन द फ्रिज कह सकते हैं। तो नाउ कम टू माय फोर्थ वन, अ स्ट्रीट। अब यहाँ पे वी कैन नॉट से एट अ स्ट्रीट, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा के ऑलरेडी रखा है, वी कैन नॉट यूज़। वी कैन से इन अ स्ट्रीट एंड वी कैन से ऑन अ स्ट्रीट। अब इन अ स्ट्रीट का मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी भी सेंटेंस में इन अ स्ट्रीट कह रहे हैं तो बेसिकली इसका मतलब ये होगा दैट आई एम वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, मैं स्ट्रीट के मिडल में वॉक कर रही हूँ एंड इट कैन बी डेंजरस एज वेल। तो जब भी इन अ स्ट्रीट होगा या इन द स्ट्रीट होगा तो यानी हम बीच में मिडल में वॉक कर रहे हैं। लेकिन अगर वही ऑन अ स्ट्रीट है तो इसका मतलब हम स्ट्रीट के साइड में पेवमेंट पे वॉक कर रहे हैं, तो ऑन अ स्ट्रीट। Okay, fine. So let's move to my next point, that is the hotel. Up, can we say on the hotel? It is wrong. It is completely wrong. We can say at the hotel and we can say in the hotel. अब at का use हम कैसे करेंगे और क्यों करते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, at is basically used to locate. हम location बताने के लिए use करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका कोई friend है, वो आया एंड ही इज़ स्टेइंग एट द होटल, आपको पता है कि वो होटल में रुका हुआ है या रुकी हुई है, तो वी आर गोइंग टू यूज़ एट। इफ़ समवन इज़ आस्किंग यू वेयर इज़ योर फ्रेंड स्टेइंग, देन यू कैन से एट द होटल। ओके, अब यहाँ पे इन का मतलब क्यों? यहाँ पे हम लोकेशन बताने के लिए एट यूज़ करेंगे, इन यूज़ नहीं करेंगे। इन कब यूज़ करेंगे? व्हेन यू आर 100% श्योर दैट ही इज़ इनसाइड द होटल। आपको लोकेशन तो पता है कि लोकेशन एट द होटल है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि राइट नाउ इस वक्त वो होटल के अंदर है या नहीं है। वो वहाँ ठहरा हुआ है ये हमें पता है, लेकिन वो अंदर है कि नहीं ये हमें नहीं पता। तो अगर हम 100% श्योर हैं कि ही इज़ इन द होटल, देन वील से दैट ही इज़ इन द होटल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू कॉल योर फ्रेंड, यू आर वेटिंग आउटसाइड द होटल एंड यू आर कॉलिंग हिम, and after 2 minutes he received your call and then you are asking him where are you, then he'll say I'm in the hotel, yani main hotel ke andar hi hu।
okay fine. In the same way, my next one is my room. तो हम room के साथ भी at और in का use करते हैं, on का use नहीं करते हैं. अगर आप बिल्कुल room के अंदर हैं तो in the room, in my room, और अगर आप room के आसपास हैं तो at my room. अगर आप location बता रहे हैं, आसपास भी नहीं. अगर आपको location बताना है, like you are outside and if someone is asking you where you kept the file, अगर कहीं से भी call आए तो you will say at my room, मैंने अपने रूम में रखा. आप लोकेशन बता रहे हो, लेकिन अगर आप खुद रूम के अंदर मौजूद हो तो आप इन यूज़ करेंगे. ओके फाइन. द सेम गोज विथ द लॉबी. इन द लॉबी एंड एट द लॉबी. तो बेसिकली वी यूज़ एट टू शो द लोकेशन. हमें अगर किसी चीज़ का लोकेशन बताना हुआ तो हम एट का यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हमें बताना हुआ एग्जैक्टली हम कहाँ हैं या हम अंदर हैं तो हम इन का यूज़ करेंगे. कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर हो, कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के अंदर, लाइक इन अ सेंस कि रूम के अंदर अगर हम हैं तो यहाँ इंसान रूम के अंदर है, किसी एक बिगर स्पेस के अंदर है. इन द सेम वे वी कैन से इन द कार. हम कार के अंदर होते हैं, कार के ऊपर नहीं होते. एंड द सेम इज़ विथ ऑन. हम चीज़ों का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी भी टॉप सर्फेस की बात कर रहे हो, कोई चीज़ अगर किसी भी दूसरी चीज़ के टॉप सर्फेस पर रखा हुआ हो. तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एट, इन एंड ऑन. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू पीपल कि हम एट का यूज़ कब करते हैं, इन का यूज़ कब करते हैं एंड ऑन का यूज़ कब करते हैं. एट टू शो द लोकेशन, इन व्हेन समथिंग इज़ केप्ट इनसाइड एनी अदर थिंग, एनी अदर बिगर थिंग, एंड ऑन व्हेन समथिंग इज़ केप्ट ऑन द टॉप ऑफ समथिंग एल्स. ओके फाइन. नाउ एज यू कैन सी आई हैव रिटन ओवर हियर फिक्स्ड एक्सप्रेशन. अब फिक्स्ड एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? फिक्स्ड का मतलब हो गया जिसको हमने फिक्स कर दिया, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता. एक्सप्रेशन, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं ऑलरेडी. तो मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते. ये ऑलरेडी फिक्स है, हमें इसे इसी तरह से लर्न करना होगा एंड इसी तरह से हमें यूज़ करना सीखना होगा. अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पर रॉन्ग यूज़ करते हैं तो हमें उसे फ़ौरन सही करना चाहिए. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, विल स्टार्ट विथ एट. अगर हम एट के कुछ फिक्स एक्सप्रेशंस देखें, ओबियसली आई हैव नॉट रिटन ऑल द एक्सप्रेशंस ओवर हियर. ये कुछ बेसिक्स एग्जांपल है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. तो हम देखेंगे ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पे. ओके, तो लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम एट, एट होम, एट स्कूल, एट वर्क, एट अ पार्टी, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी. जब भी हम इन चीज़ों को अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं, लाइक अगर इफ़ यू वांट टू से समवन, लाइक इफ़ एनीवन, एनी ऑफ योर फ्रेंड इज़ आस्किंग वेयर आर यू एंड यू आर सेइंग आई एम एट वर्क, मैं काम पे हूँ, तो यू आर गोइंग टू से एट वर्क एंड नॉट ऑन वर्क. आप ऑन का यूज़ नहीं करेंगे. ऑफन स्टूडेंट्स दे मेक दिस मिस्टेक, इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग एट दे से ऑन. तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, कुछ चीज़ें लर्न करनी होगी, एंड लर्न से भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा. अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस, यू वोंट बी एबल टू लर्न इट, यू वोंट बी एबल टू मेमोराइज इट. ओके, तो यहाँ पे हम एट होम का यूज़ करेंगे. आई एम एट द एट होम, एट स्कूल, आई एम एट स्कूल, आई एम एट वर्क, आई एम एट द पार्टी, आई एम एट द कॉलेज, आई एम एट द यूनिवर्सिटी. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू पीपल. नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट वन, इन. हम इन का यूज़ कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कोई भी चीज़, इफ समथिंग इज़ इनसाइड द अदर थिंग, एनी अदर बिगर थिंग. ओके, तो वी यूज़ इन. लेकिन ये कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशन है जहाँ हम इनका ही यूज़ करेंगे विदाउट थिंकिंग एनी थिंग. ओके, तो जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है इन द सी, लाइक फिश इन द सी, इन द स्काई, क्लाउड्स इन द स्काई. सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मैं एग्जाम्पल से आपको सेंटेंस में यूसेज बता रही हूँ कि हम यहाँ पर इनका यूज़ कैसे करेंगे. तो अब इन माई बैकयार्ड, लाइक possibility is there that there can be a swimming pool in your backyard. Okay, so at the back of your backyard, so in my backyard. Okay, ab aap yahan dekh sakte hain ki maine isko dot 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 kiya hai. I'll rather use another color to show it properly. ye jo block aap dekh rahe hain is pe main abhi aaungi. Okay, in the newspaper, in a movie. ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है और इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाऊंगी. जब भी हम मीडिया का यूज़ करते हैं और मीडिया में जब हम इन द न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं और इन अ मूवी यूज़ करते हैं, तो न्यूज़पेपर और मूवी के साथ हमेशा
प्रपोजिशन इन का यूज़ किया जाता है. ओके, लाइक सपोज यू रेड एन आर्टिकल. ओके, तो इफ समवन इज आस्किंग यू, ओके, फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन, एंड यू आर सेइंग आई रेड इट इन द न्यूज़पेपर. ओके, तो यू आर गोइंग टू यूज इन द न्यूज़पेपर. इन अ मूवी, लाइक सपोज यू वॉच एक्शन सीन्स एंड ऑल, so if you are explaining to any of your friend, then you may say that I just love watching action scenes or fight scenes in a movie. aap kisi specific director ya producer ke bhi naam leke usko mention kar sakte hain. now coming to vehicle, like in a car, in a boat, to hum yahan pe bhi in ka use karenge. hum car ke andar hote hain, in a car and in a boat. there we are not going to use on the boat. okay, hum बोट के ऊपर नहीं होते हैं, हम बोट के अंदर होते हैं. ओके, फाइन, सो वी आर गोइंग टू यूज इन हियर. नाउ कमिंग टू ऑन, ऑन द काउच, ऑन द सोफा. सो लाइक आई लव लाइंग ऑन द काउच. ओके, तो हम यहाँ पे काउच के ऊपर होते हैं, काउच के सोफा के ऊपर होते हैं. काउच एंड सोफा आर द सेम थिंग्स. ओके, ऑन द फ्लोर, लाइक समथिंग इज something fell down, so you will say on the floor, or while cleaning the floor, while sweeping you can say I'm sweeping. so hum floor ke upar ki cheezon ka, jab bhi hum floor ki baat karenge to uske upar ki baat karte hain. theek hai, floor ke andar kuch nahi hota aur at bhi nahi hota floor ke sath, to hum hamesha on ka hi use karenge. now again on tv and on radio, ab aap dekh sakte hain yahan bhi maine media ki baat ki thi. yahan media ka maine newspaper aur movie liya tha, lekin ab yahan jab hum media, tv aur radio ki baat kar rahe hain, to hum yahan pe in ka use nahi kar rahe, preposition on ka use kar rahe. now what is the difference between these two? wo isliye ki jab hum tv ki baat karte hain, theek hai, like suppose you are watching any show aur aapko wo bahut pasand hai, तो आप उस चीज़ को जब बताएंगे तो आप इस तरह से कहेंगे, लाइक आई वॉच, आई लव वॉचिंग रियलिटी शोज़ ऑन टीवी. रियलिटी शोज़ आई एम श्योर आप देखते ही होंगे, कोई ना कोई रियलिटी शो. तो आई जस्ट लव वॉचिंग रियलिटी शोज़ ऑन टीवी. तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे. अब रेडियो में अक्सर चिट चैट, कॉन्वर्सेशन, टॉक शोज़ आते हैं, तो यू कैन से आई लव लिसनिंग टॉक शोज़ ऑन रेडियो. तो यहाँ पे भी हम ऑन रेडियो का यूज़ करेंगे. यहाँ ऑन टीवी और ऑन रेडियो का मतलब ये नहीं है कि कोई उसके ऊपर चढ़कर बैठा है. ओके, तो दिस इज़ अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन. आई रिमाइंड यू कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसको हमने फिक्स्ड कर रखा है. ये ग्रामर में फिक्स्ड है, वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन दिस. ओके, नाउ कमिंग टू दीज थ्री पॉइंट, ऑन अ बस, ऑन अ प्लेन, ऑन अ ट्रेन. अब आप रियली कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ऑन क्यों लिखा है, क्योंकि ऑन का मतलब हो गया कि ऑन अ बस का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई बस के ऊपर चढ़कर बैठा है, ऑन अ प्लेन यानी कोई प्लेन के ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है. अब क्या है, जैसे यहाँ भी हमने व्हीकल का यूज़ किया, कार एंड बोट भी व्हीकल है, बट हियर वी यूज इन. क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कार एंड बोट इन कंपैरिजन टू बस, प्लेन एंड ट्रेन छोटे व्हीकल्स हैं. तो जब हम छोटे व्हीकल्स की बात करते हैं तो हम उसके साथ इनका यूज़ करते हैं, लेकिन जब वही हम बड़े व्हीकल्स की बात करते हैं तो हम ऑन का यूज़ करते हैं. लाइक सपोज आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड यू बोर्डेड एंड वन ऑफ योर फ्रेंड, आप बोर्ड करते ही तो हम अपना फ़ोन स्विच ऑफ करते नहीं. लाइक एक सिचुएशन है, आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके किसी फ्रेंड का कॉल आया और आपने रिसीव करा, बोला कि ओके आई जस्ट गॉट ऑन अ प्लेन, ऑन द प्लेन, ऑन अ प्लेन. ओके, तो ये हम बेसिकली बताते हैं कि आप प्लेन के अंदर हैं, लेकिन यू आर गोइंग टू यूज़ द एक्सप्रेशन ऑन हियर. अगर आप ट्रेन में हैं एंड किसी ने आपको कॉल किया और बहुत शोर हो रही है, एंड इफ़ समवन इज़ आस्किंग वेयर आर यू, आई कैन हियर लॉट्स ऑफ नॉइज, देन यू कैन से या बिकॉज आई एम ऑन द ट्रेन, ऑन अ ट्रेन. ओके, द सेम गोज विथ बस. ओके, तो जब भी हम बड़े व्हीकल की बात करते हैं, लाइक बस, plane and train, we use preposition on and we don't use in. but when we talk about car and boat, for such vehicles we use in. तो मैंने आपको यहाँ पे दो पॉइंट समझाए हैं, जैसे कि मीडिया का डिफरेंस मैंने यहाँ पे टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर और मूवी का बताया. जब हम टीवी और रेडियो का बात करते हैं तो हम ऑन यूज़ करते हैं, लेकिन वही जब हम न्यूज़पेपर और मूवी की बात करते हैं तो हम
इन यूज़ करते हैं। वही सेम जब हम व्हीकल की बात करते हैं तो अगर बड़े व्हीकल की बात कर रहे हैं तो हम ऑन यूज़ करेंगे, और जब हम छोटे व्हीकल की बात कर रहे हैं तो हम इन यूज़ करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने सिर्फ तीन प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा है, दैट इज़ एट, इन एंड ऑन, और ये इतना सिंपल नहीं है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। जनरली हम अपने सेंटेंसेस में जब भी इसे यूज़ करते हैं तो हम मिस्टेक कर ही देते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि हमें एट का यूज़ कहाँ करना है, इन का यूज़ कहाँ करना है, ऑन का यूज़ कहाँ करना है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट अनटिल एंड अनलेस यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू वोंट एबल टू लर्न इट। तो पहले आप इसको अपने सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए। और जैसे कि मैंने इन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस की बात की है, तो अगर आप अब तक कोई भी एक एक्सप्रेशन यहाँ पे जो आप गलत प्रीपोजिशन के साथ यूज़ कर रहे थे, प्लीज़ स्टॉप यूजिंग इट, दिस इज़ इनकरेक्ट एंड दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, दिस इज़ द फिक्स्ड वन एंड वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस ओवर हियर। सो चलिए, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। तो आज के हमने अपने लेसन में सिर्फ प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा, एंड अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक दूसरे नए लेसन के साथ आऊँगी। तो बिफोर आई लीव आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट मोर एंड मोर टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टच द बेल आइकन, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।